हमारा क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी लूज हाफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक, देयर इज ए वुडन ब्लॉक ए बुलेट और ए बॉडी कम्स स्ट्राइक दिस सरफेस और जैसे इसके अंदर जाएगी उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहां पर उसकी कुछ वेलोसिटी है u, तो ए बॉडी यूजेस हाफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, यहां से ये यहां तक गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 सेंटीमीटर, और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है u बाई 2, वेलोसिटी हाफ हो गई। अब उनका ये कहना है दिस इज ए लॉन्ग वुडन ब्लॉक, थोड़ी दूर आगे जाकर यहां जाते जाते ये रुक गई, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, द क्वेश्चन इज हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यहां से यहां कितनी दूर और जाएगी और उसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वाला सेंटेंस देखते हैं। क्या है क्वेश्चन वाला सेंटेंस, हाउ मच विल इट ट्रेवल मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, हाउ मच विल इट ट्रेवल मोर एस। अगर हमको एस निकालना है तो एस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसमें आप कौन सा लगाना ठीक समझेंगे, किसके डाटा दिख रहे हैं आपको, इसमें टाइम का कोई रिलेशन नहीं है इसलिए, लेकिन यहां की वेलोसिटी ये दी हुई है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर हम इस s को निकालना चाहें तो हमें किस किस चीज की जरूरत है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, तो ये हमारा एस निकलेगा, जिसमें एक चीज की वैल्यू तो हमको श्योर मालूम है कि लास्ट में जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, इसलिए ये क्या होगा 0। तो इससे हमको आगे मिला एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, ये मिलेगा हमको। तो हमको v स्क्वायर भी चाहिए और सॉरी 0 माइनस u स्क्वायर, डजंट मैटर, दिस इज माइनस u स्क्वायर अपॉन दिस इज रिटार्डेशन माइनस 2a, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई u स्क्वायर अपॉन 2a, ये s की वैल्यू है, ये अब ये दोनों हमको चाहिए। और हम कहां इक्वेशन बना सकते हैं, तो आंसर है जब ये रिटार्ड होता है यहां से इसकी वेलोसिटी कम होती है तो थ्रू आउट इसका रिटार्डेशन एक जैसा होगा, तो जो ए की वैल्यू यहां है वही ए की वैल्यू यहां है, ए की वैल्यू सेम रहेगी। ये वाला जो फर्स्ट सेक्शन है इसके लिए क्या हम इक्वेशन बना सकते हैं, इसका एस कितना है 3, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी यू बाई 2 और एक्सीलरेशन सेम। अगर हमने यहां एक्सेलरेशन ए लिया है तो यहां भी एक्सेलरेशन ए, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन बना के देखते हैं, उसमें से यू स्क्वायर अपॉन 2a हो सकता है हमको मिल जाए। तो इसका हमने इक्वेशन बनाया, हमारा फॉर्मेट क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। ओके, यहां पर s की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो हम आंसर सेंटीमीटर में मान लेंगे। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होगा u स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज u स्क्वायर अपॉन एक्सीलरेशन, दिस इज ए रिटार्डेशन बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड इट्स वैल्यू इज a, सो वी राइट हियर माइनस 2 इंटू a, 2 इंटू माइनस है दैट इज माइनस 2a, ये हमको मिला। और इससे अब हम लोग निकाल सकते हैं, दिस विल बी माइनस 3 अपॉन 4 यू स्क्वायर अपॉन
माइनस टू ए, दिस इज कैंसल्ड और ये आ जाएगा हाउ मच दिस विल बी 3 अपॉन 8 यू स्क्वेयर अपॉन ए. ओके लेट्स कीप इट, वी नीड यू स्क्वेयर अपॉन, ये हमारे पास दिस इज वन इक्वेशन एंड दिस इज अनदर इक्वेशन. यहां से हम यू स्क्वेयर अपॉन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. हाउ मच विल बी यू स्क्वेयर अपॉन ए, u square upon a is equal to 8 इधर आ जाएगा और 3 इससे नीचे चला जाएगा, so this will be 8 into 3 upon 3, this is cancelled, so u square upon a is equal to 8. इस u square upon a की वैल्यू को यहां रख देंगे तो s कितना आएगा 8 upon 2, this is 4 centimeter. So how much it will penetrate further? 4 centimeter. ये s की वैल्यू है, ठीक है. इस तरह से इसमें s की वैल्यू निकली. ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी आता है. क्वेश्चन कैसा है? We have a certain velocity of the car, apply brake, it stops at a certain distance. एक कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, वी अप्लाई द ब्रेक एंड इट स्टॉप्स एट 10 मीटर डिस्टेंस. अगर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगी, ब्रेक लगाएंगे कितनी दूर जाके रुकेगी? तो उसके लिए जो हमारी कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को देखिए. वी डू इट दिस वे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ स्टॉपिंग एंड इनिशियल वेलोसिटी. ये जो एक मेथड है, इस मेथड को आपको मास्टर करना है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज. और ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, हर चैप्टर के लिए है कि जब हमको दो क्वांटिटी की डिपेंडेंस निकालनी है, एक के अनुसार दूसरी कैसी चेंज होती है, तो हम एक ऐसा इक्वेशन लिखते हैं जिसमें एक तरफ एक वेरिएबल हो, दूसरी तरफ एक वेरिएबल हो, लेकिन बाकी सब कॉन्स्टेंट हो जाने चाहिए. ये बहुत जरूरी है. तो देखिए हमारा इक्वेशन है s इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर अपॉन 2a. ओके नाउ देयर इज अ रिटार्डेशन, वी कैन राइट इट माइनस a, नो प्रॉब्लम. व्हेनेवर वी अप्लाई ब्रेक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? जीरो. सो दिस बिकम्स जीरो, ये क्या हो जाएगा? माइनस u स्क्वेयर अपॉन माइनस 2a. This I can write as 1 upon 2a into u square. So now we have s is equal to a constant. क्यों? ब्रेक तो एक जैसा हर बार लगेगा and u square. What is their relation? S is proportionate to u square. इसको हमको याद रखना चाहिए और ये हमको निकालना आना चाहिए. इसका मतलब क्या होता है? अगर u को आप 1 से 2 कर देंगे, 2, तो s कितना हो जाएगा? 2 to the 4. अगर u को 3 टाइम्स कर देंगे तो s कितने गुना बढ़ जाएगा? 3 3 the 9. अगर हम u को 4 टाइम्स कर देंगे तो डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? 16 टाइम्स. समझ आया? तो ये आपको याद रखना है कि डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है. एस प्रोपोर्शनेट टू यू स्क्वायर. अब इसका कोई भी न्यूमेरिकल आए, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, राइट? तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6. ए कार इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स एट 20 मीटर. स्पीड उसकी है 60 एंड स्टॉप्स एट 20 मीटर. ओके इफ द कार गोज ट्वाइस एज फास्ट, ये अब हमको कितना मिला? 120. तो s कितना होगा? अब हम पूरे इक्वेशंस वो सब कुछ नहीं बनाते, हम फॉर्मूला क्या याद रखते हैं? We know that by third relation s is proportionate to u square. U कितने गुना बढ़ गया? 2 times. तो s कितने गुना बढ़ेगा?
यहां 2 रखिए, 2 टू 4, s कितने टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स। तो पहले s कितना था 20, अब इसको 4 टाइम्स बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर 80 मीटर। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मेथड नहीं दिखाना है, इक्वेशंस नहीं बना रहे, यू आर कंसर्न्ड विद आंसर, और आंसर के लिए हमको क्या याद है, s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, बस आ गया है। तरीका समझ आया, और इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर तीसरे साल इसका क्वेश्चन आता है। ओके, द क्वेश्चन नंबर 3 सेज देयर इज अ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से हम दो बॉल को थ्रो करते हैं। थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान दीजिए, देयर इज वन वर्ड थ्रो एंड देयर इज वन वर्ड ड्रॉप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। व्हेन वी से ड्रॉप, then its initial velocity is to be taken as zero, and when we write throw, that means it has certain initial velocity which is non zero, zero नहीं होगी, कुछ ना कुछ velocity है। मान लीजिए वो velocity u है, तो a ball को हम यहाँ से ऊपर की तरफ throw करते हैं, ये इसकी velocity u, ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगी and it comes down, यहां पर जाके वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये वापस मुड़ेगी, यहां पहुंचेगी और इसकी वेलोसिटी हो गई ए। सेकेंड बॉल को हमने नीचे थ्रो किया यहां पर, और वेलोसिटी उतनी ही है, ओके राइट, इसको हमने नीचे थ्रो किया यू वेलोसिटी से, तो ये ऐसा डायरेक्ट नीचे आई, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई वी B. This is how ball A is thrown. This is how ball B is thrown. VA, VB. What is the relation between VA and VB? ये आपको निकालना है. इस दोनों में क्या चीज constant है? You know it very well. दोनों के लिए acceleration कितना है? जी. एक और चीज दोनों में common है. बताइए. Can you guess? दोनों बॉल में एक और क्या चीज कॉमन है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डू वी कॉल इट, डिस्प्लेसमेंट। ये वाला बॉल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां लैंड किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट हाइट। ये बॉल यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना, सेम Right. तो दोनों में क्या चीज सेम है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पहले यहां जाएगा, मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, फिर यहां जीरो पहुंचेगा, इस डिस्टेंस की कैलकुलेशन करूंगा, फिर यहां से यहां की कैलकुलेशन करके इस वेलोसिटी को निकालूंगा, यू विल गेट द राइट आंसर, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड। तो इसलिए छोटा मेथड हमको क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट का, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। किस चीज में डिफरेंस आ जाएगा, साइन में। यहां पर ये वाला जो सेट बनेगा, इस सेट में मुझे साइन बताइए। अगर फिजिक्स में हमारा नियम है कि हम लोग यू को पॉजिटिव लेते हैं, इट इज नॉट ए रूल बट इट इज ए कस्टम, ओके। तो यहां हमारे लिए प्लस किधर है, ऊपर की नीचे, ऊपर, क्योंकि u किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो हमने यहां वेलोसिटी ली, u इज इक्वल टू u, उसके बाद s इज इक्वल टू, s किस तरफ है, यहां से नीचे की ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, नीचे, तो s की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस h। एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए कितनी लेनी है, y माइनस, क्योंकि डायरेक्शन किधर है, g की नीचे, और हमारे लिए प्लस किधर है, जिधर u होता है, u ऊपर है, इसलिए हमारे लिए प्लस ऊपर है। जितनी क्वांटिटीज नीचे होंगी इस पॉइंट से, सबको क्या लेंगे, माइनस। g भी नीचे है, h भी नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने माइनस में लिया और ए को भी माइनस में लिया, और हमको निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी। ये एक सेट बना, अब इधर का सेट देखिए,
यहां पर u की वेलोसिटी किधर है? नीचे। तो हमारे लिए पॉजिटिव किधर है? नीचे। तो बताइए u की वैल्यू कितनी लेनी है? u ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर कितनी लेंगे? प्लस g। s कितना लेंगे बोलिए? प्लस h की माइनस h? प्लस h, क्योंकि नीचे यहां से नापेंगे h और नीचे ही हमारा पॉजिटिव है, तो दिस इज प्लस h। क्या निकालना है हमको? v। चलो अब दोनों में कैलकुलेशन करिए और देखिए ये v कितना आया। दिस विल बी वी ए एंड दिस विल बी वी बी। इज इट डिफरेंट? कौन बड़ा कौन छोटा या इक्वल? दोनों को कैलकुलेट करके देखिए। तो आप देखिए कितनी आसानी से ये बनता है अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेके करते हैं, तो आपको बॉल के साथ ऊपर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लेके बनाइए, साइन के बारे में इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, देखिए आंसर बिल्कुल सेम आता है। ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टॉवर विच हैज ए हाइट एच। व्हेन वी यूज द वर्ड रिलीज तो हमको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है? हाँ ठीक बोल रहे, बोलिए। U इज इक्वल टू जीरो। जब भी हम शब्द यूज करेंगे ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए बॉल इज रिलीज, दोनों केसेस में U क्या लेना है? जीरो। एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड। ओके, थ्रू आउट द मोशन इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? जी, नो माइनस जी। क्यों? क्योंकि यू हमारा किधर है? नीचे। ओके, तो हम नीचे ही प्लस मान लेते हैं। ओके, ये पॉजिटिव नीचे की तरफ। नाउ हाउ मच इज द डिस्टेंस एच एंड इट रीचेज हियर? व्हेन इट रीचेज हियर हाउ मच इज द टाइम? टी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एच, एक्सेलरेशन इज जी एंड टाइम इज टी। हमको क्या क्या मिला है? यू ए एस टी, ये चार वैल्यू मिले। क्या आप इसका इक्वेशन बना सकते हैं? ओके, दूसरी चीज सुनिए, इसका आप एक इक्वेशन बनाएंगे। दूसरा सिचुएशन क्या है? When the time is t by 3 और हमको उसका s निकालना है, तो हम क्या करते हैं? Suppose t by 3 में वो यहां तक पहुंचा। How much is the time? अब ये एक दूसरा सेट हमने बनाया। How much is the time? U for this? Again zero. How much is acceleration? G, same acceleration. How much is the time? T by 3 and how much is the distance? This we have to find, so we will keep it s and we want this answer. इसका एक equation as it is set करिए, तो आपके पास दो equation हो गए। और दोनों equation से आप देखिए क्या आप
एस की वैल्यू निकाल सकते हैं एच के टर्म्स में। तो यहां पर हमने इक्वेशन बनाया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एंड टी स्क्वायर। ये हमारा ये वाले डाटा से बना। अब इस डाटा से बनाते हैं सो दैट एस, एस की वैल्यू क्या लेनी है, एच इज इक्वल टू जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बना। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए, और यू कैन डू इस तरह से डिवाइड कर दीजिए या यहां से जी टी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो जी टी स्क्वायर, वट एवर इज द मैथड, आई प्रेफर कि आप डिवाइड कर दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने से ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन नाइन, दिस इज एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ इट बिकम्स वेरी एविडेंट हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एच यहां रख दो तो एस किसके बराबर हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर को क्या रखना है, एच, एच अपॉन नाइन। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी अपॉन थ्री सेकेंड, टी अपॉन थ्री टाइम, दैट इज एच अपॉन नाइन। पूरा डिस्टेंस कितना है, एच। ओके सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन एच अपॉन नाइन। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। ए बॉडी इज एट रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये एट एक्स इज इक्वल टू जीरो द बॉडी इज एट रेस्ट। इट स्टार्ट मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद ए कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन। दो बॉडीज हैं, एक कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन से चलती है और उसका यू कितना है, जीरो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड विथ कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन ए। वट विल हैपन टू इट्स वेलोसिटी, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। एक सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, यू प्लस ए। दो सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, यू प्लस टू ए। After 3 second u plus 3a, so we have a equation v is equal to u plus 8t. हर एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी फास्ट होती जाएगी। तो फर्स्ट एक सेकेंड में ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दूसरे सेकेंड डिस्टेंस में ज्यादा डिस्टेंस करेगा, तीसरे सेकेंड में और ज्यादा करेगा बिकॉज द वेलोसिटी हैज इंक्रीज, फोर्थ सेकेंड में और ज्यादा करेगा। ओके, दिस इज वन पार्टिकल। द अदर पार्टिकल एट द सेम इंस्टेंट another body pass through x is equal to 0 moving in the positive x direction with a constant speed. जैसे ही ये यहां से ऐसे स्टार्ट लेता है with acceleration, at the same time another body which is coming from somewhere coming from somewhere passes this origin and it has a certain velocity. That is a uniform velocity. Let us say it has a velocity v, but this velocity is a uniform velocity. When it is a uniform velocity, तो क्या होगा, हर एक सेकेंड में वो डिस्टेंस कैसा ट्रेवल करेगा, सेम, बिकॉज इट्स ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड हाउ मच इज द डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इन टू टाइम। तो फर्स्ट सेकेंड में ये कितना दूर जाएगा, वेलोसिटी इन टू टाइम, दिस मच डिस्टेंस। दूसरे सेकेंड में सेम डिस्टेंस, थर्ड सेकेंड सेम डिस्टेंस, फोर्थ सेकेंड सेम डिस्टेंस। ओके, अब बताइए कौन आगे कौन पीछे। एनीवे, क्वेश्चन आगे कंप्लीट कर लेते हैं। द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय एक्स वन टी, इसकी पोजिशन क्या है, एक्स वन, एंड सेकेंड बॉडी हैज ए पोजिशन एक्स टू, वेयर एक्स वन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स टू इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट एक्स वन माइनस एक्स टू वर्सेज टाइम।
x1 minus x2 versus time as a function of time. तो ये वाली स्टोरी है और ये वाले ग्राफ है, आपको इन दोनों को रिलेट करना है. इट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर क्लास 11 एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड दिस शोज योर इमेजिनेशन. अब यहां पर इमेजिन करिए, मैं बात करता हूं फर्स्ट वन सेकेंड, पहले एक सेकेंड में ये कितना आगे जाएगा, ए स्मॉल डिस्टेंस. क्यों? इसकी वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हुई है, यू से. एक सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, ए. सो हाउ मच विल बी द डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेंगे या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से निकाल लेंगे, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस जाएगा, जबकि ये कैसा आ रहा है विद ए फुल वेलोसिटी. तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 कैसा होगा, निगेटिव और पॉजिटिव, बताइए कौन बड़ा है, x2, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है. तो इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, x1 माइनस x2 कैसा है, निगेटिव, श्योर, ठीक है. एट t इज इक्वल टू जीरो बोथ आर जीरो, t इज इक्वल टू जीरो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो. व्हेन t इंक्रीजेस, लेट अस से t इज वन टू इनिशियल वैल्यूज, उस समय कौन बड़ा होगा, x2 ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये फास्ट है, ये बड़ा है, तो क्या होगा, x1 माइनस x2 इज निगेटिव. स्लोली आफ्टर सम टाइम इसमें एक्सेलरेशन ऐड होते जाता है, इसकी स्पीड बढ़ते जाती है, एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड के बराबर हो जाएगी, तब दोनों कैसे चलेंगे बराबर, लेकिन तुरंत उसके बाद इसकी स्पीड से बढ़ती जाएगी, फिर क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होते जाएगा, निगेटिव से किसकी तरफ जाएगा, वो जीरो की तरफ. फिर से देखिए, ये पहले तेजी से आगे निकल गया, ये स्लो जा रहा है, अब इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, x1 माइनस x2 कैसा पहुंच गया, बहुत बड़ा बन गया, फिर इसकी स्पीड ऐसे बढ़ती जा रही है, दोनों चल रहे हैं, अब ये दोनों कैसे आ गए इक्वल, क्योंकि इसकी स्पीड तो बढ़ते जा रही है. अब बताइए x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो. सो आफ्टर ए सर्टेन टाइम टी टू, After a certain time t2, x1 minus x2 कितना हो जाता है, जीरो. Okay? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो x1 minus x2 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव. सो t3 x1 minus x2 इज पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव. तो पहले कैसा होना चाहिए, इनिशियली जीरो, जीरो के बाद फिर कैसा होगा, उसके बाद, उसके बाद पॉजिटिव, राइट. अब एक चीज मैंने आपको नोट कराई थी, शेप ऑफ द ग्राफ, शेप ऑफ द ग्राफ, उस पर आते हैं. अभी जितने फीचर आपको मिले ये आपके किस में मैच कर रहे हैं, ए बी सी की डी. क्यों, ए में ये पॉजिटिव हो रहा है और हमको कैसा चाहिए था, निगेटिव. ये भी जीरो से स्टार्ट होता है पर पहले निगेटिव में नहीं गया, कैंसर. ये पहले निगेटिव में गया फिर पॉजिटिव में आया फिर इधर गया, ये पहले पॉजिटिव बना फिर निगेटिव बना, जबकि पहले क्या होना चाहिए था, निगेटिव. सो दिस इज ऑल्सो नॉट, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है. अगर अगर इसकी जगह एक ग्राफ और होता और वो ग्राफ इस तरह का होता, ये पहले क्या हुआ, जीरो निगेटिव, जीरो पॉजिटिव, तो बताइए आप इन दोनों में से किसको चुनते, सी को या ये ऊपर वाले को. अगर ये ग्राफ भी होता और ये ग्राफ भी होता तो किसको चुनते, सी को. क्यों,
ये आपको क्या दिखा रहा है, when t is equal to 0, x1 minus x2 is 0, after some time, negative, after some time, 0, and after that, it is positive. 0, after some time, negative, after some time, 0, after some time, positive. दोनों में फीचर एक जैसे हैं, फिर आप इसको क्यों चुनेंगे, इसको क्यों नहीं चुनेंगे? ये क्रॉस करने का पॉइंट है, उसके बाद ये बनना शुरू कर देता है। तो बताइए, अगर ये दोनों होते तो आप किस कारण से इसको चुनते? तो इसका आंसर है, इसकी शेप में कैसी लाइन है, स्ट्रेट, और इसमें कैसी लाइन है, पैराबोला, दैट इज एक कर्व। एक कर्व का और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा कैसा होता है, डू यू रिमेंबर? ये हम लोगों ने क्लास में किया था। स्ट्रेट लाइन होगा तो दोनों की पावर कैसी होगी, 1 1, पैराबोला में 1 2, ये क्या चीज कवर हो रही है, डिस्टेंस, और दूसरा कौन है, टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या होता है, ये टी की पावर कितनी है, 2, और एस की पावर कितनी है, 1, कैसी शेप होनी चाहिए, पैराबोला, इसलिए किसको चुनेंगे, समझ आया? तो अगर एक अच्छा क्वेश्चन है, एक और भी क्वेश्चन है इसके अंदर में, उसमें ये ग्राफ भी दिया है और ये भी दिया है, उस समय अगर हमको फैसला करना है, ये दोनों चीजें तो मैच करती हैं, फिर हम शेप से डिसाइड करेंगे कि शेप हमको पैराबोला चाहिए, क्योंकि एस और टी में एक की पावर 1 होती है और एक की 2 होती है। ओके, ये हो गया।